हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो एरिया है आज ये आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, आज आपको हम बताएंगे प्रीपोजिशनल ट्रैपिंग पॉइंट्स। देखो, मेरे कहने का सेंस ये है कि आज का ये वीडियो बड़ा बहुत ही असरदार वीडियो है, और मेरा दावा और चैलेंज है कि आप प्रीपोजिशन से जुड़े हुए जितने भी आपके ट्रैपिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे आप फंसते हो, और जनरली लोग जो गलतियाँ मतलब करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में या कम्पिटेटिव एग्जाम्स में या राइटिंग स्किल सेगमेंट में, तो वो सारे के सारे जो प्रीपोजिशनल जो फॉल्ट्स हैं, प्रीपोजिशनल एरियाज हैं, और अगर इनका प्रॉपर यूज अगर आप सीख लेते हो तो आप कई सारे प्रीपोजिशनल फॉल्ट्स से बचोगे, और अच्छा स्पीकर, अच्छा बोलने वाला, अच्छा राइटर या कंपोजर और अच्छा स्पीकर बनोगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, राइटिंग स्किल एंड स्पोकन, तीनों कमांड होगा, तीनों का जो फॉल्ट्स हैं उन फॉल्ट्स एरियाज से आप बचोगे बिल्कुल। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे जो है प्रीपोजिशनल फॉल्ट्स वाले एरियाज है, वैसे एरियाज जो काफी इरिटेशन, जो काफी इरिटेट करते हैं, काफी परेशान करते हैं, और स्टूडेंट्स बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, जनरली इन ट्रैप्स में, इन फंदों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इन पे आप फोकस करें। देखो, पहला आपका टॉपिक है इन द वे, ऑन द वे और इन ए वे। ठीक है, सेकंड आपका टॉपिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन द वे, ऑन द वे और इन ए वे में क्या अंतर है, एट द एंड और इन द एंड से क्या अर्थ निकलता है, ऑन टाइम इन टाइम में क्या डिफरेंस है, इन फ्रंट ऑफ और इन द फ्रंट ऑफ में क्या अंतर है, एट नाइट और इन द नाइट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप मैं आपको हर मैटर को मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट आपका जो स्टेप है, पहला जो है आपका टॉपिक है इन द वे। इन द वे का अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ होता है, रास्ते में, रास्ते में। ऑन द वे का अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ सेम होता है, रास्ते में। ठीक है, और इन ए वे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से, एक तरह से या एक प्रकार से, या एक प्रकार से। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन द वे का होता है रास्ते में, यह रास्ते की रुकावट, ये रास्ते की रुकावट, ये रास्ते की रुकावट, यानी कि रोड हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का क्या होता है, हिंड्रेंस होता है रुकावट। इन द वे जो है हमेशा रास्ते की रुकावट दिखलाता है, हमारे सामने कोई गाड़ी आ जाती है, हमारे सामने कोई आदमी आ जाता है, और रास्ते में आगे हम मूव नहीं कर पाते, रास्ते में आगे हम जा नहीं पाते हैं, तो आपके रास्ते में अचानक कोई अगर बाधा आ जाए, आपके रास्ते में अचानक अगर कोई हिंड्रेंस, कोई अगर ऑब्स्टेकल, कोई अगर रुकावट आ जाए, देन यूज इन द वे। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो, एग्जांपल देखो, जैसे कि आप कहते हो देयर इज ए कार इन द वे। ठीक है, आई कैन नॉट टेक आउट माय स्कॉर्पियो। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला रास्ते में कार खड़ी है, मैं अपना स्कॉर्पियो नहीं निकाल सकता। ठीक है, आप मान लो 10 फीट का रोड है और आपके स्कॉर्पियो ठीक सामने कोई कार खड़ी है, जब तक वो कार हटेगा नहीं, अपना स्कॉर्पियो कैसे निकालोगे आप, यानी वो कार आपके लिए रास्ते की रुकावट। ठीक है, इस केस में हम लोग यूज करते हैं इन द वे, यहां पे अगर ऑन द वे का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, यहां पे अगर दोगे आप ऑन द वे, इट वुड बी रॉन्ग। इसी प्रकार देखो, जैसे कि आप कहते हो कि डोंट स्टैंड इन द वे, लेट मी गो अहेड। क्या हो गया, रास्ते में खड़े मत हो, मुझे आगे बढ़ने दो, यानी कोई आदमी आपके सामने खड़ा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई आदमी आपके सामने खड़ा है जो आपको आगे बढ़ने आप नहीं दे रहा है। ठीक है, इस केस में वो आदमी आपके लिए रास्ते की रुकावट, तो रास्ते की रुकावट रोड हिंड्रेंस। ठीक है, उसको दिखाने में हम यूज करेंगे किसका, हम यूज करेंगे इन द वे का।
ठीक है। अब देखो आप ऑन द वे का अर्थ क्या होता है, ऑन द वे आपका हो गया, ऑन द वे आपका हो गया अदर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज यानी कि इसमें रुकावट की बात नहीं होती है। ऑन द वे में क्या होता है, रुकावट की बात नहीं होती। ऑन द वे का अर्थ क्या हो गया, रास्ते में। इन द वे का अर्थ क्या हो गया, रास्ते में। मगर इन द वे रास्ते का रुकावट दिखलाता है, और ऑन द वे अदर आप कुछ भी करो रास्ते में, उसमें रुकावट का सेंस उसमें फील नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो सपोज दैट देयर इज नो स्पेस, स्टॉप। ठीक है, तो अभी आपको मैंने कहा देखो आप कि ऑन द वे का मतलब क्या होता है, ऑन द वे हो गया, दूसरा कोई भी काम आप रास्ते पे करो या कोई भी एक्टिविटी होता है जिसमें कोई हिंड्रेंस का रुकावट की बात नहीं हो, अगर रुकावट की बात नहीं हो देन वी यूज ऑन द वे। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई सॉ रानी, आई सॉ रानी, अब आपके सामने इन दिया रहे या ऑन दिया रहे, ऑन द वे आप कहना चाहते हो कि मैंने रानी को देखा, कहां देखा, रास्ते में। तो किसी को देखने में तो कोई रुकावट की बात नहीं हो सकती है, किसी को देखने में तो कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर रुकावट का सेंस पैदा ना हो देन वी यूज ऑन द वे, यहां पर इन गलत हो जाए। ठीक है, या आप कहते हो कि आई विल गिव यू ए लिफ्ट ऑन द वे, इसका गिव ए लिफ्ट मतलब क्या होता है, गिव ए लिफ्ट होता है किसी को गाड़ी में बैठाना। आप कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें रास्ते में गाड़ी में बैठा लूं, तो इसमें तो कोई रुकावट की बात नहीं है। अगर आपके सामने ऑप्शन दिया रहे इन, आप कहना चाह रहे हो आई विल गिव यू ए लिफ्ट इन द वे, तो ये हो जाएगा गलत। सही क्या होगा, आई विल गिव यू अ लिफ्ट ऑन द वे, क्लियर। ठीक है, तो ये देखा आपने, थर्ड देखे आप इन अ वे, इसका मतलब होता है एक प्रकार से, एक तरह से। ठीक है ना, जैसे आप कहते हो कि यू कैन सी इट इन अ वे, इसका अर्थ क्या हो गया, एक तरह से तुम ये कह सकते हो, एक तरह से, एक प्रकार से तुम ये कह सकते हो। ठीक है ना, या इन अ वे यू कैन हेल्प अस, इसका मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से, एक तरह से तुम हम लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, कमल ध्यान दे, देखें आप, अब देखिए दूसरा आपका टॉपिक है, देखो सेकंड आपका टॉपिक है एट द एंड और इन द एंड। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा दोनों में आकर क्या आपको एक जैसा ही लग रहा होगा, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, दोनों में काफी अंतर है। ठीक है ना, और स्पोकन इंग्लिश के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह बड़ा ही एक रिकरिंग बार बार आने वाला एक परेशानी है। ठीक है, समझो आप देखो एट द एंड का अर्थ क्या होता है, एट द एंड का अर्थ होता है अंत में, इन द एंड का अर्थ क्या होता है, अंत में, ये अंत में कहो या कहो आखिरकार, या इसको हिंदी में कह सकते हो आप अंततः। ठीक है ना, दोनों का सेम अर्थ होता है। ठीक है, एट द एंड का अपोजिट होता है एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, और इन द एंड का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है एट फर्स्ट। ठीक है, एट द एंड का अपोजिट क्या हो गया, तो एट द बिगिनिंग, और इन द एंड का उल्टा क्या हो गया, एट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो दोनों का प्रयोग, दोनों का यूज हम लोग करते हैं कहां कहां, वो देखने वाली बात। देखो आप, इनका प्रयोग होता है थिंग्स के लिए, थिंग्स में क्या आ सकता है, जैसे आप कहते हो बुक, आप कहते हो फिल्म, आप कहते हो टाइम, टाइम नेम। ठीक है ना, या आप कहते हो मैच, मतलब स्पोर्ट्स, इट इज, यानी कि थिंग्स में हम यूज करते हैं किसका, एट द एंड का और इन द और एट द बिगिनिंग का। और देखो इनका प्रयोग, यानी कि इन द एंड और एट फर्स्ट का प्रयोग कहां होता है, इनका प्रयोग होता है पीपल के लिए, पीपल्स सेंटिमेंट्स, लोगों की भावनाएं या लोगों के सेंस में, लोगों के संबंध में। ठीक है, हम दिखाते हैं एक ब्रॉड में कि एट इन द एंड फॉर पीपल, एट द एंड फॉर थिंग्स। ठीक है, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा, जैसे आप कहते हो देखो
कि फिल्म शुरू में मजेदार था मगर अंत में बकवास था। ये कहना चाहते हो कि फिल्म शुरू में मजेदार था मगर अंत में बकवास था, तो इसको आप कैसे बनाओगे? द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग आपके सामने दोनों ऑप्शन में डाल रहा हूं, एट या इन। द बिगिनिंग बट वॉज बोरिंग इन या एट द एंड। ठीक है, आपके सामने दो यहां पे ऑप्शंस हैं, तो मुझे बताओ यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात फिल्म की हो रही है, यहां बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है फिल्म की। बकवास क्या था, मजेदार क्या था? फिल्म। ठीक है, तो अगर थिंग्स की बात होगी यानी कि फिल्म्स की बात होगी, बुक्स की बात होगी, ठीक है, तो यहां पे क्या दोगे? यहां पे एट सही है, यहां पे इन गलत होगा। और सेकंड आप बताओ, जब एट द बिगिनिंग आप दे दिए तो एट द बिगिनिंग का अपोजिट क्या होगा? एट द एंड। यहां जो लिखा हुआ है अंत में, किसके अंत में? फिल्म के अंत में, फिल्म अंत में। ठीक है, यानी कि बात तो फिल्म की हो रही है, तो यहां पे सही क्या होगा? यहां सही होगा एट द एंड। यानी कि थिंग्स के मामले में हम लोग यूज करेंगे एट द बिगिनिंग का और यूज करेंगे हम लोग एट द एंड का। क्लियर? अच्छा, एग्जांपल आप और देखो, जैसे मान लो कहना चाहते हो वी अराइव्ड एट द स्टेडियम, एट द स्टेडियम। अब यहां पर है एट या इन? द एंड ऑफ द मैच, हम लोग मैच के अंत में स्टेडियम पहुंचे। मैच का अंत क्या हो सकता है जब आपका 45 या 50 ओवर का खेल बचा हुआ, दैट इज द लास्ट पार्ट। तो आप कहना चाह रहे हो कि हम लोग मैच के अंत में स्टेडियम पहुंचे। ठीक है, किसके अंत में भाई? मैच के अंत में। मैच क्या है? थिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। ठीक है, तो यहां पे किसके अंत में, यानी कि मैच के अंत में हम लोग पहुंचे, जब थिंग होगा तो हम लोग यहां क्या देंगे? हम लोग यहां देंगे एट। यह बात अभी की नहीं हो रही है, यह बात किसकी हो रही है? यह बात हो रही है मैच। ठीक है, यह एग्जांपल एक छोटा सा एक और देख लो। आप कहते हो कि सी केम टू पटना एट द एंड ऑफ मार्च। वह जो है मार्च के अंत में पटना आए, किसके अंत में? मार्च के अंत में। मार्च क्या है? टाइम फैक्टर है, मंथ का नाम है। तो अगर थिंग्स की बात होगी तो क्या लगाएंगे हम? देन वी यूज एट द बिगिनिंग और एट द एंड। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? एट द एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दे, कम ऑन, सही है। अब आपका सेकंड पार्ट देखो, इन द एंड। इन द एंड का अपोजिट क्या होगा? इन द एंड का उल्टा होगा, अपोजिट होगा एट फर्स्ट। ठीक है, देखो कई सारे लोग हैं जो गलत बोलते हैं या लिखने के दौरान वो सावधानियां नहीं बरतते हैं, लेकिन आप जानो प्रीपोजिशनल का मामूली मिस्टेक भी मीनिंग का मीनिंगलेस कर देगा या बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट ही बदल देगा, संदर्भ भी चेंज कर देगा। इसलिए बड़े खास के जो विद्यार्थी यूपीएससी वगैरह का या बैंक पीओ वगैरह का, सीजीएल वगैरह का मेंस के प्रिपरेशन में है, वहां पर राइटिंग सेगमेंट है, राइटिंग स्किल है। मेंस में आपको ऐसे आपको लिखना होता है, कंपोज करना पड़ता है आपको ऑफिशियल लेटर। तो इफ यू लाइक ए प्रॉपर ग्रिप ओवर प्रॉपर एक्सप्रेशंस, ओके, देन यू वुड फेल टू मेक ए गुड स्कोर। ठीक है ना, इसको समझे आप। इन द एंड का अर्थ अंत में, इन द एंड का अपोजिट क्या हो गया? एट फर्स्ट। इनका हम लोग प्रयोग करते हैं किसके लिए? फॉर पीपल सेंटीमेंट्स, फॉर पीपल। जैसे मान लो आप कहते हो कि वी डिड नॉट लाइक ईच अदर एट फर्स्ट। अगर यहां आपका ऑप्शन रहे एट फर्स्ट, एक आपका ऑप्शन रहे एट द बिगिनिंग, दो ऑप्शन है। बट वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब एक आपका यहां पे ऑप्शन रहेगा एट या इन द एंड। देखो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये निकला कि शुरू में हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, शुरू में हम लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंत में हम लोग अच्छे दोस्त बन गए।
तो यहाँ बात किसकी हो रही है, हम लोगों की। हम लोगों की मतलब क्या हो गया, हम लोग के बाद हो गया पीपल की बात। तो अगर पीपल की बात होगी, वी ऑलवेज यूज एट फर्स्ट एंड वी यूज इन द एंड। हम लोग यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एट फर्स्ट एट द बिगिनिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एट द एंड का प्रयोग हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रयोग क्या होगा, यहाँ प्रयोग होगा एट फर्स्ट का, यहाँ प्रयोग होगा इन द एंड का। ठीक है, या देखो आप कहते हो कि रानी वाज अपसेट, रानी परेशान थे। अब ये ऑप्शन रहे इन एट, इन द एंड, एट द एंड, सी सी टुक अ डिसीजन, सी टुक ए डिसीजन एंड वेंट वेंट टू कोर्ट। ठीक है, ये आपके सामने दो ऑप्शन है। देखो रानी परेशान थी, अंत में उसने निर्णय लिया और वो कोटा चली गई। तो अंत में निर्णय किसने लिया, रानी ने। यहाँ बात पीपल की हो रही है, यहाँ बात पर्सन की हो रही है। तो अगर पीपल या पर्सन की बात होगी तो क्या यूज करोगे आप, यहाँ पर आपको यूज करना है इन। यहाँ कभी भी एट का यूज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है,